एक बार जंगल में सभी जानवर अचानक बेहोश हो जाते हैं, इसका कारण कोई नहीं समझ पाता है। और तब लोमड़ी एम्बुलेंस को फोन लगाता है और डॉक्टर साहब आते हैं, सभी जानवर को भरकर हॉस्पिटल में भेज देते हैं। और डॉक्टर साहब बताते हैं यह बीमारी यहीं से उत्पन्न हुआ है और शेर राजा है तो सोचने लगते हैं। और शेर राजा सोचते हैं हमारे राज में यहाँ क्या हो रहा है, लगता है सिंघम को बुलाना ही पड़ेगा। दोस्तों सिंघम सर का स्टाइल ही अलग होता है, आते हैं बेमुजुर्ग को बंद कर देते हैं। शेर राजा सिंघम को फोन करके अपने जंगल की कहानी बताते हैं और सिंघम सर इसका पता लगाने के लिए सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं और देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जाते ही वापस आकर लोग ठीक हो जाते हैं। सिंघम सर सोचते हैं गड़बड़ी यहीं कहीं से है। अब सिंघम सर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और लोमड़ी को इतना ज्यादा फटकारते हैं कि लोमड़ी पूरी सच्चाई बता देता है। लोमड़ी कहता है मैं और मेरा भाई इस वायरस को फैलाया है। शेर राजा बोलते हैं मेरे राज में गुंडागर्दी। सिंघम सर उसके भाई को पकड़ने चले जाते हैं लेकिन उसका भाई वायरस से अटैक करता है, लेकिन सिंघम सर उसके भाई को उसके ही वायरस से बेहोश करके राजा के पास लेकर चले जाते हैं। शेर राजा बोलते हैं तुम जैसे अफिसर को इस देश की जरूरत है। लोमड़ी और उसका भाई दोनों शेर राजा से माफी मांगते हैं।